हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और ये चैनल पहले बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार हुआ करता था अब ये इन्वेस्ट फॉर के नाम से जाना जाता है सो डोंट बी कंफ्यूज आज के टॉपिक होने वाला है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के डिस हैं मतलब क्या क्या उसकी कमियां क्या क्या उसमें नुकसान है लॉन्ग टर्म आज तक आपने सुना होगा सबको कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट हर कोई पर कहते हैं कि मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया राकेश झुजुवाला कहता है कि मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया विजय केडिया जी कहते हैं कि मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया मतलब हर एक लोग जितने बड़े बड़े लोग बने हुए हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जोर देते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव लाइक होती है नो डाउट बट उसके कुछ नेगेटिव uh, पॉइंट्स भी है देखिए अब uh, जो भी कुछ चीज इस पृथ्वी बनी है पर, कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं है इस चीज़ को आपको समझना होगा और यहाँ पर अगर कुछ रूल्स और स्ट्रेटजी श्टा, बनाई गई है तो वो कम्प्लीटली और स्टॉक मार्केट में तो खासकर कि अगर कुछ चीज़ बनाई गई है कोई स्ट्रेटजी तो वो कम्प्लीटली प्रूव नहीं होती और कम्प्लीटली वो परफेक्ट नहीं होती इसलिए यहाँ पर बस यहाँ पर जो चीज़ काम आती है डिसप्लिन काम आता है यहाँ पर काम आता है कि आप कितनी उसमें घुसते हो कितने उसके बारीकी से देखते हो तो आज की डेट में आज की वीडियो में इसी चीज़ से रिलेटेड बातें करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के डिसएडवांटेजेस क्या है और अगर बात करें काफी सारे लोग यहाँ पर आएंगे वीडियो को देखेंगे और वो मुझे भी करेंगे और एज वेल एज कुछ गलत भी बोलेंगे बट नॉट नॉट एन इशू मैं ये मेरी खुद का परसेप्शन है आप लोगों का परसेप्शन अलग हो सकता है मैंने मार्केट को जितना देखा है उस हिसाब से मैं बातें करूँगा ओके और वो मैं एग्जाम्पल सेट करते हुए आपको दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना है तो कहाँ करना है और एज वेल एज जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आप पैसे कमा सकते हैं तो उससे

तो हम पहले देख लेते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एन खरीद कितने साल के लिए तीन साल के लिए कम से कम बट अगर बात करें वॉरन बॉफे साहब की तो वॉरन बॉफे साहब क्या कहते हैं है भाई आ, आ, क्या कहते हैं इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर एटलीस्ट टेन इयर्स टेन 10, मतलब दस 10 साल के लिए अगर आप किसी स्टॉक को अपने पास नहीं रख सकते ओके तो डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट मतलब इसे खरीदने के बारे में इसे रखने के बारे में अपने पास सोचो मत इट फॉर टेन मिनट मतलब दस मिनट के लिए भी मत सोचो ओके okay, यहाँ पर ये देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर है वर्म अफेयर साहब हो गए राकेश झुंझुनवाला हो गए इनकी इन ये खुद कहते हैं पेशेंस टाइम डिस और ये और सारा का सारा टाइम ये सारी की सारी चीजें होती है जो आपको रिच बनाती है ऑब्वियसली यहाँ पर रिच बनाती है ये चीजें मैं इसमें बिल्कुल भी आपको मना नहीं कर रहा हूँ ये चीजें जिसे नहीं आती आप रिच बनते हैं ऑब्वियसली बनते हैं राकेश झुंझुनवाला हो गए ओके यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर काफी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सारे के सारे के इन्हीं चीजों से बने हैं रिच और बात करें यहाँ पर बट इनमें से एक अलग इंसान भी है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है जिम सैमसन ऐसा कुछ नाम है एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ हाँ जिम साइमंस जिम साइमंस इनका नाम है ओके ये अगर बात की जाए मैं यहाँ पर कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ बहुत अगर बात साहब अपनी तरफ एक लेजेंट है एज वेल एज बात करें यहाँ पर जिम सैमसन ये दोनों का ये अपनी तरफ है। ये ट्रेडिंग करते है ये हैजिंग करते हैं उसके थ्रू कमाते हैं और इन्होंने सिक्सटी के सी से पैसा कमाया है और यहाँ पर इन्होंने बीस के सी से पैसा कमाया तो दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है दोनों एक इन्वेस्टर है एक हैज इन्वेस्टर है तो दो हैज ट्रेडर है तो दोनों में फर्क है पहली बात बट उन्होंने से, इन्होंने पूरी जिंदगी निकाल दी है और इन्होंने केवल 20 साल निकाले हैं, 20 साल में इन्होंने अपना पैसा बनाया है यहाँ पर मार्केट से और दुनिया के टॉप ट्वेंटी रिचर्च पर्सन में अपना नाम लिखवाया है मैं नहीं कह रहा हूँ कि कि कोई गलत बात है बट uh, अगर बात की जाए यहाँ पर कुछ हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पर देखिए दैट यू कुड अ गुड डे और स्विंग ट्रेडर्स इन्वेस्टिंग कैन बी द स्लोएस्ट वे टू मेक मनी बाई कम्पेरिजन मतलब एक इन्वेस्टिंग uh, एक ना स्लो वे है मतलब धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ेगा आप जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से आगे बढ़ता है वो बूंद बूंद आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी और वो बूंद आज के दिन में आ रही है कल के दिन में आ रही है एक साल बाद ये वो सब चीज डिपेंड करेगी एज इन्वेस्टिंग री इशू सेम कैपिटल रिलेवेंट फ्रिक्वेंटी फ्रिक्वेंट इन कंपेरिजन टू ट्रेडिंग तो मतलब अगर बात की जाए यहाँ पर ट्रेडिंग के अगर ट्रेडिंग की जाए मतलब ट्रेडिंग भी कैसी ट्रेडिंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर आई एम नॉ टॉक अबाउट ऑप्शन मैं बात कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ उस ट्रेडिंग की जिसमें आप किसी भी तरीके का मार्जिन नहीं लेते जो कि आज की डेट में चल रहा है मैं उस ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ उस स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ उस पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपका खुद का पैसा होता है चाहे वो सौ रुपये हो चाहे वो हजार रुपये हो, हो जहाँ पर आपको डर नहीं होता कि आपको किसी को पैसे देने हैं जहाँ आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं है जो आपका पैसा कल की डेट में चला भी गया तो आपको कोई परेशानी नहीं है और प्लस में आप उससे उसे बढ़ाने के लिए उस पैसे को आप उसके लिए वेट कर सकते हैं आपका खुद का पैसा है उस पैसे की मैं बात कर रहा हूँ okay, तो फ्यूचर ऑप्शन भी नहीं करना बट क्या करना है वो मैं आ, 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 यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आइए एग्जाम्पल पे चलते हैं हम यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं जो हम हमारी स्टडी है देखिये एक शॉपकीपर होता है शॉपकीपर का, का काम क्या होता है शॉपकीपर का काम होता है भाई चीजें आई चीजें आके उसे बेच देना ओके okay, आप उस आप आप किसी शॉपकीपर की दुकान पर जाएंगे आप कहेंगे मुझे शैम्पू दे, दे तो वो शैंपू आप कहेंगे मुझे हेड एंड शोल्डर दे दो हेड एंड शोल्डर का पैकेट आपको दे देगा आप एक पैक दे देगा और आपसे पैसे ले लेगा ओके okay, वो उसे इकट्ठा नहीं करेगा उसे लॉन्ग टर्म के लिए और बात करेगा कि भाई मैं इसे दस साल बेचूंगा दस साल बाद वो एक्सपायर भी हो जाएगा दस साल बाद उसकी किस्मत भी नहीं पता कि क्या होने वाली है ओके okay, जो आज की डेट में वो इस तरीके से चलता रहता है कंटिन्यूसली खरीद लाता अपनी दुकान में सामान लाता रहता है बेचता रहता है लाता रहता है बेचता रहता, रहता, रहता है और इस तरीके से वो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करता रहता है और एक रिच पर्सन बन जाता है इसलिए हमेशा याद रखो बनिया यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बनाते हैं

तो आपके दोनों की चीजें अलग हो सकती है और यहाँ पर धीरे ट्वेंटी परसेंट में ट्वेंटी और फिफ्टी और सिक्सटी परसेंट की बात करता हूँ कि आपको इतना पैसा मिलेगा अब क्यों मिलेगा यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ तो एच यूएल हिंदुस्तान यूनिलिवर पहले भी एक बार वीडियो बना चुका हूँ बट इस तरीके से वीडियो नहीं बनाई थी तो आज की डेट में वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर पेंडामिक था, पैंडामिक से पहले की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मैं यहाँ पर तो ले लेता हूँ पैंडामिक से पहले ये शेयर लगभग बा, बाईस रुपए के आसपास चलता था और आज की डेट में अगर बात करें तो आज की डेट में शेयर चल रहा है तेईस रुपए और अगर हम यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है तो इनके बीच का डिफरेंस होता है केवल तीन परसेंट के आसपास तीन परसेंट से भी कम है मतलब एक साल डेढ़ साल वेट करने के बाद आपको क्या मिला सिंपल आपको पैसा मिला केवल तीन परसेंट और यहाँ पर अगर बात की जाए और भी और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको यहाँ पर बात की जाए ब्रिटानिया ब्रिटानिया को हम उठा लेते हैं ब्रिटानिया भी देखें यहाँ पर यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर चलता था ग्यारह सौ ग्यारह ओके okay, यहाँ पर देख लिए ग्यारह फैब और आज की डेट में यहाँ पर पैंडामिक से पहले की बात कर रहा हूँ आज की डेट में ये शेयर है यहाँ पर इसने कितने परसेंट के रिटर्न दिए फाइव परसेंट के अब बात कर लेते हैं दूसरे दूसरे स्टॉक्स की और और भी बहुत सारे स्टॉक्स आप मार्केट में कोई भी स्टॉक ले लीजिए तो आपको पता चलेगा कि इसी तरीके के को को ले लीजिए ये सारे के सारे वो स्टॉक है जो लोग अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करते हैं लॉन्ग टर्म के व्यू से इसलिए मैं इनका एग्जांपल ले रहा हूँ ओके और अगर बात करें यहाँ पर लॉन्ग टर्म के व्यू से ये स्टॉक का कोई सानी नहीं है और यही स्टॉक अगर आप अपने पो, पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको पता चलेगा यू कैन मेक मनी ओके बहुत अच्छे तरीके से बीस परसेंट का जो तो सी की बात होती है वो ये इजीली देते हुए नजर आएंगे यहाँ पर बात करें इक्कीस परसेंट मतलब यहाँ पर 21 परसेंट के रिटर्न ये ये यहाँ पर देता हुआ नजर आता है मेरिको मेरिको की बात करें तो इक्कीस के रिटर्न यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं जो कि इसके अगर बात करें, या यहाँ सॉरी यहाँ पर था पैंडमिक तो यहाँ पर से अगर हम देखें यहां पर से देखते हैं तो यहाँ पर आज की डेट में शेयर यहाँ चल रहा है मतलब छत्तीस परसेंट की रिटर्न जहाँ पर दूसरी कंपनीज की बात करें स्मॉल कैप की और मिडिल कैप की और दूसरे शेयर की बात करें वो उन शेयरों ने काफी बेहतरीन रिटर्न दिए और वो बात की रहे। कितने परसेंट के रिटर्न दिए उन्होंने दिए मतलब हंड्रेड प्लस परसेंट के रिटर्न देते हुए नजर आए हैं अब जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इन शेयर की मैं बात करता हूँ अब दूसरे शेयर की जहां पर यहाँ आप इन्हीं शेयर में अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे कैसे कमा सकते थे तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान ऑन यूनिलीवर की ओके okay, मैं यहाँ पर एक मिनट दीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को निकाल लेता हूँ देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक स्टडी है कि आपको वो चूज वो शेयर चूज करने हैं जो एक रेंज के ऊपर चलते हैं यहाँ पर अगर बात की जाए ये इसने ऊपर का जो रेंज बना रखा है ना उसने ऊपर का रेंज बना रखा है यहाँ पर अगर मैं देख लेता हूँ तो यहाँ पर इसने एक रेंज बना रखा है ये लेवल और अगर नीचे का लेवल की बात की जाए तो इसने स्टार्टिंग में एक लेवल बनाया था ये और अभी जो इसका लेवल चल रहा है ये हिंदुस्तान की हिंदुस्तान यू लीवर की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर बात करें स्टार्टिंग में ये शेयर केवल इसी रेंज में भगता हुआ नजर आ रहा था और अगर हम देखे तो यहाँ पर आपको उस रेंज को पकड़ना था उसे देखना था उसे ट्रेस करना था और एक बार ट्रेस होने के बाद आपको यहाँ पर यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करनी थी यहाँ पर आपको बाई करना था आपको नहीं पता परफेक्टली कि आप ये शेयर कहाँ जाएगा बट इसके आसपास पास यहाँ पर कुछ भी

काफी टाइम से यहाँ पर इन्हें देख रहा हूं देखिए इसमें भी एक ही रेंज बना रखी थी यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर इसका दस परसेंट आ गया था फिर उसके बाद यहाँ पर गिरा था फिर उसके बाद दस परसेंट आ गया था मतलब आपको शेयर बेचना है यहाँ पर आप खरीदने आप यहाँ पर एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं बाजार से और यहाँ पर लेने के बाद आपने बेच दिया फिर यहां पर किसी भी रेंज पर बेच दिया यहाँ पर बेच दिया यहां पर बेच दिया जहां पर और यहाँ पर खरीद लिया यहां पर खरीद लिया दस मिले चुपचाप बेच दिया आठ दस फिर यहाँ पर खरीद लिया फिर दस मिले फिर चुपचाप बेच दिया फिर दस मिले फिर बेच दिया फिर यहाँ पर दस का अपॉर्चुनिटी मिल रही है फिर आपने करने तो इस तरीके से काम करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं मार्केट में ओके और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर शेयर है मैं आपको बता देता हूँ एस टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं सॉरी तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एस टेक्नोलॉजी की तो देखिए इसने अभी पहले इसने 900 का रेंज बना रखा है यहाँ पर से देखिए यहाँ पर ये ये गया फिर नीचे आया फिर यहाँ पर गया यहां पर भी अगर पांच पांच परसेंट दस परसेंट का गेन मिलता है ना तो यहां पर आप ले सकते हैं और ये शेयर यहाँ पर भी देखिए तीस परसेंट के यहां पर रिटर्न इसने दे दिए इसी तरीके का एक रेंज किसने बना रखी है इसी तरीके की एक रेंज बना रखी है एल ने आई की बात करें ये काफी टाइम से देखें यहां पर गया यहाँ पर से लिया यहां पर गया टेन पर परसेंट की रिटर्न यहां पर गया टेन से ज्यादा किया बट मैं यहाँ पर क्योंकि कोई बॉटम नहीं कोई टॉप नहीं पकड़ सकता तो यहाँ पर थोड़ा बहुत घटा के बात करते टेन परसेंट मिल गया फिर यहाँ पर अगर नीचे आया फिर यहाँ पर इन्वेस्ट

but ओके okay, uh, दो अकाउंट ओपन कराओ एक में इन्वेस्टिंग करो एक में ट्रेडिंग करो आपको डिफरेंस पता चलेगा ओके okay, आपको एक साल के अंदर अंदर का डिफरेंस पता चलेगा और आप अगर अकाउंट ओपन कर रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा कोई चार्जेस नहीं है तो दो अकाउंट ओपन कराओ एक में ट्रेडिंग करते जाओ एक में आप uh, करो क्या कहते हैं है, और ट्रेडिंग भी कौन सी अपने खुद के पैसे से फ्यूचर ऑप्शन आपको नहीं करना है आपको वो ट्रेसिंग ट्रेडिंग करनी है लेके खरीदना है जब ऊपर आपको टेन मिल जाए चुपचाप बेचना है फिर मिल जाए फिर बेचना है इस तरीके से आप अपने स्टॉक को चूज करो दूसरे दूसरे की क्या रेंज बना रखे हैं यहां पर इसने रेंज बना रखे हैं यहाँ पर सपोर्ट लिया यहाँ सपोर्ट लिया यहाँ सपोर्ट लिया ऊपर यहाँ सपोर्ट लिया यहाँ सपोर्ट लिया मतलब इसके आसपास कभी भी आए चुपचाप बेच के निकल जाओ तो इस तरीके से काम करो ओके okay, आपको पता चलेगा कि यहां पर आप ट्रेडिंग से डेली अर्निंग ब्रेड जो कहते हैं ना वहा यहाँ से कमा लोगे बाकी एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग का भी बनाओ इन्वेस्टिंग में कौन से तो यही स्टॉक आपको चूज करने एच यू जो जो निफ्टी फिफ्टी के जो बेहतरीन स्टॉक हैं जिनका सी एजीआर ट्वेंटी ट्वेंटी और थर्टी परसेंट का वो चूज शेयर चूज करो मेरी को हो गया ट्वेंटी तो ट्वेंटी का सी से पैसा देता आ रहा है पिछले दस साल से एच की बात करें एच यू एल ब्रिटानिया की बात करें ब्रिटानिया ये शेयर को चूज करो लॉन्ग टर्म के व्यू से और इन्हीं शेयर को और बहुत मार्केट में और, भी शेयर है, उन्हें करो पर टर्म से और आपको समझ में आ गया हुआ टू टेल यू एक्सैक्टली तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल बॉस ऑफ सॉरी इन्वेस्ट फॉर एवर को शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस तरीके की डेली बेसिस